नमस्कार इंडिया न्यूज गुजरात में आपनु स्वागत छे। समाचारनी शुरुआत करिए महत्वना समाचार थी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन उद्देश्य साथे भाजप चूंटणीना मैदान में कांग्रेसने टक्कर आपी रही छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ना प्रवासे छे। वडाप्रधान मोदीए मुंगेली में चूंटणी रेलीने संबोधित करी हती। वडाप्रधान मोदीए पोताना संबोधनी शुरुआत जय घोषथी करी हती। तेमणे आगळ कह्युं के तमारुं स्वप्न मोदीनुं रेझोल्यूशन छे। वडाप्रधान मोदीए कह्युं के आजे ज्यारे हुं मुंगेलीमां आव्यो छुं महामाया માયની આ ભૂમિ પર સમગ્ર છત્તીસગઢ કોંગ્રેસના કુશાસનના અંતની ઉજવણી કરી રહ્યું છે। વડાપ્રધાન વધુમાં કહ્યું કે તમે જે આ સૂર્યમાં ધ્યાન કરી રહ્યા છો તે કરી રહ્યા છો, હું તમારી તપસ્યાને વ્યર્થ નહીં જવા દઉં, તમારી મક્કમતાના બદલામાં હું તમારો વિકાસ કરીને તમને તે પરત કરીશ, આ મારી ગેરંટી છે। સર્વત્ર એક જ ગુંજ છે, 3 ડિસેમ્બરે ભાજપ આવી રહ્યું છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે રવિવારે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી, પરંતુ આવનારી દેવ દિવાળી છત્તીસગઢ માટે એક નવો આનંદ અને ઉત્સાહ લઈને આવશે। જે કોંગ્રેસે છત્તીસગઢમાં લૂંટફાટ કરી છે તે દેવ દિવાળી પર ક્યાંય જોવા નહીં મળે। વડાપ્રધાન મોદીની બીજી સભા યોજાઈ હતી મહાસમુંદમાં બેમચા મેદાનમાં આયોજિત। છત્તીસગઢ ભાજપે તેનું નામ વિજય સંકલ્પ મહારેલી રાખ્યું છે। બીજા તબક્કાનું મતદાન 17 નવેમ્બરે થવાનું છે, જેમાં 70 બેઠકો માટે મતદાન થશે અને મતગણતરી 3 ડિસેમ્બરે યોજાશે। महामाया माई की धरती पर आया हूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उनके मजबूत फैसले को, भाजपा के प्रति उनके विश्वास को, भाजपा के प्रति उनके लगाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। यहां मुंगेली में भी मैं यही दृढ़ विश्वास, यही संकल्प चारों तरफ देख रहा हूं। मुझे वहां, क्योंकि कुछ लोग मैं देख ही नहीं पा रहा था, तो वहां जाकर के मैंने प्रणाम किए। इधर भी मैं देख नहीं पाता था, वहां जाके प्रणाम किए। इतना बड़ा कार्यक्रम और मैं देख रहा हूं हमारी ये व्यवस्था छोटी पड़ गई। बहुत लोग इस मंडप के बाहर धूप में तप रहे हैं। धूप में तपते हुए भी इतने प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग बाहर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, आपको तकलीफ हुई, मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इस कमी के लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो इस धूप में तप कर रहे हैं, ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा।
मैं ये आपके तप के लिए विकास करके मैं आपको लौटाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है, भाजपा। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास, भाजपा के आने का मतलब है नौजवानों के सपने पूरे होंगे, भाजपा के आने का मतलब है यहां की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी, भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई।